नमस्कार सभी, जैसा कि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस में अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि आपको डीएड सेकंड ईयर कोर नंबर 203 में हम करवाएंगे लिंग एस मान का। यानी कि लिंग एस मान का होते क्या है उसका अर्थ, पहला पता इसमें समानता के अभाव को ही एस मानता कहते हैं, यानी कि आपको समानता नहीं है उसके अभाव को ही क्या बोलेंगे हम, असमानता बोलेंगे। जहां पर स्त्री और पुरुष के अवसरों की दृष्टि से सिंपली है, स्त्री और पुरुष के अवसरों की दृष्टि से असमानता है, वहां पर लिंग असमानता कहा जाएगा। तो इस डेफिनेशन से आपने ये कहना है कि किसी भी प्रकार का यदि पुरुष और स्त्री में भेदभाव है तो उसको क्या बोलेंगे, लिंग असमानता। क्लियर? तो डेफिनेशन सामान्य सी बात है, स्त्री और पुरुष में जो उनके अधिकार है, जो उनके कर्तव्य हैं, यदि उनके प्रति यदि किसी प्रकार की भेदभावना की जाती है तो वो होता है लिंग असमानता। अब हम करेंगे लिंग असमानता के कारण है, पहला माता पिता का शैक्षणिक स्तर, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि माता पिता है तो वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या वो बच्चों को बता पाते हैं कि महिलाएं और पुरुषों में कोई असमानता नहीं हो, एक जैसे ही काम कर सकते हैं, एक जैसे ही देश को डेवलपमेंट करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि अपना शैक्षणिक स्तर सुधारते हुए बच्चों को एजुकेशन दें। लड़के को एजुकेशन देना इतना ही जरूरी है जितना कि लड़की को, तो दोनों को समान माने। दूसरा संस्कृति संबंधी कारण, लिंग असमानता के कारण कुछ ऐसा रहता है कि हमारी संस्कृति भी ऐसी है, उसमें क्या दिया गया है कि पुरुष को प्रधान माना गया है, स्त्री को तुच्छ माना गया है। तो सामान्यतः हम देखते हैं संस्कृति संबंधी कारण भी हमारे किसी न किसी हद तक हमारी जो लिंग असमानता उसको बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। समाज की प्रक्रिया, अब समाज हमारा है कैसे चलता है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, कैसे काम करने के तरीके हैं। हमारे समाज में आज भी आप जानते होंगे कि महिलाएं हमेशा आश्रित रहती है इसमें पुरुषों पे। आमतौर पर मान लिया जाता है कि कोई भी काम है महिला को किससे पूछ के करना पड़ता है, पुरुषों से पूछ के करना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं अपने आप नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखती। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि समाज की प्रक्रिया को सही रूप से चलाने के लिए आज भी लिंग असमानता में पुरुष को विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष स्थान दिया जाता है, जबकि महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता। तो प्रिय साथियों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लिंग असमानता के दुष्प्रभाव। अब ये हमने आज पढ़ा, ये हमने कांड पढ़े कुछ, लेकिन अब इसके दुष्प्रभाव, दुष्ट होते हैं बुरे प्रभाव, इफेक्ट पढ़ना, यानी कि क्या ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे देश में इस असमानता के कारण नेगेटिव सेंस हो जा रही है। तो पहली है प्रजातंत्र की स्वतंत्रता, हमारा देश क्या है, डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी। इसमें हमेशा जब भी बनते हैं कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संसदीय व्यवस्था, तो उसमें दोनों व्यक्ति वोट डालते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। यदि महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाएंगे, लिंग असमानता होगी, तो हमारा प्रजातंत्र एक स्ट्रिक्ट तरीके का नहीं होगा, जो आम व्यक्ति के लिए सही हो। सेकंड है समाजवादी व्यवस्था में बाधक, यानी समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम समाजवाद तक कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया जाए, तो उसमें भी लिंग असमानता के दुष्प्रभाव में समाजवादी व्यवस्था बन नहीं पाएगी। राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय एकता में बाधक ऐसे है, सामान्यतः देखते हैं हमारे देश में पुरुष और महिलाएं दोनों ही देश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई दफा पुरुषों को महत्ता अधिक दी जाती है, महिलाओं को महत्ता कम दी जाती है। तो इस आधार पर भी कह सकते हैं हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता उसको काफी हद तक प्रभावित करती है। राष्ट्रीय विकास, हमारे देश का डेवलपमेंट है, उसमें दोनों ही प्रकार के कार्य होते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने कार्य के आधार पर क्रियाएं करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों को हम घरेलू एक पाबंदियों के अनुसार घर पे रखते हैं, उनको राष्ट्रीय विकास में ज्यादा योगदान देने की हम जरूरत नहीं समझते और उनको बाध्य भी हम नहीं करते। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय विकास में बाधा आएगी। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण में बाधा। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि हमने शिक्षा का स्तर सुधारा है, हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां इस पॉइंट से पिछड़ जाती है और लड़कियों को एजुकेशन प्राप्त नहीं होती, या एजुकेशन प्राप्त होती है तो बीच में ही उनको छोड़ देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने किया लिंग असमानता, डीएड सेकंड ईयर में हम इसको डेफिनेशन एक्सप्लेन किए थे कि जहां पर स्त्री और पुरुष
अफसरों में ऐसी मानता हो केवल लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाना ही लिंग ऐसी मानता है। इसके हमने कुछ कांड पढ़े थे कि माता पिता अनपढ़ हैं, उनकी शैली, उनकी सोच कलात्मक न होना, संस्कृति भी हमारी ऐसी है जो पुरातत्व या पुराने समय में हमारे जो संस्कृति चली आ रही है वो भी सेम है, और समाज की प्रक्रिया सोशलाइजेशन भी हमारा पुरुषों को ज्यादा अहमियत देता है और महिलाओं को कम अहमियत देता है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि लिंग असमानता होगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने लिंग असमानता का दुष्प्रभाव, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक, बिल्कुल सही है। यदि डेमोक्रेसी लानी है तो प्रजातंत्र में महिलाएं और पुरुषों का समान इक्वल होना चाहिए, और यदि इक्वल नहीं होता तो बाधक है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा गया समाजवादी व्यवस्था की कल्पना करना ही सोच भी नहीं सकते यदि स्त्री और पुरुष बराबर के लिए समानता का अधिकार न रखें। और राष्ट्रीय एकता है पूरे देश में, यदि हम इस सूत्र में देश को बांधना है तो जितने पुरुष के प्रति हमने अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार महिलाओं को देने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में राष्ट्रीय विकास में बाधक, यानी कि राष्ट्रीय विकास में बाधक कैसे कि हमारे देश का विकास नहीं होगा जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो प्रत्येक बच्चे को प्राप्त हो, महिलाएं को, पुरुषों को, लड़के और लड़कियों को, ताकि उसको पढ़ के अपना मार्गदर्शन कर सके, अपना देश, अपना प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप ऑनलाइन जुड़ के किसी भी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके पॉइंट्स को सही रूप से दोबारा से भी समझाया जाए। धन्यवाद।